आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि तेलंगाना के वोटर्स ने बीजेपी और मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है, और भरोसा ऐसा जताया है कि बीजेपी तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हालांकि कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन बात जब केंद्र में सरकार की आई तो तेलंगाना के वोटर्स ब्रांड मोदी के साथ जाते दिख रहे हैं। अब इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी का कमल का फूल तेलंगाना में फ्लावर नहीं, फायर। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार पांच महीने पहले ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। लेकिन छह महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव के अनुमानों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, तेलंगाना में बीजेपी ने चौंका दिया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है बीजेपी को 17 में से 11 से 12 सीटें मिल सकती है, सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS को हार का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रशेखर राव की पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। चार जून को हार जीत के सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अगर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल चुनाव आयोग के आंकड़ों में तब्दील हो जाता है तो ये यकीनन साबित हो जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी का कमल फ्लावर नहीं, फायर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार वोट शेयर के मामले में एनडीए को कुल मतदान का 43% वोट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इंडिया ब्लॉक को 39%, BRS को 13%, AIMIM को 2% और दूसरे दलों को 3% वोट मिलने की उम्मीद है। भारत जीतने निकले और शायद तेलंगाना भी हार गए, ऐसी स्थिति प्रतीत तो हो रही है, क्योंकि वो अलग से 28% शशि जी 28% जो है उनका माइनस है इस बार वोट शेयर। 28% बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है पार्टी पूरी साफ हो गई। दो हजार 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना तो चंद्रशेखर राव ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। लेकिन 2019 तक आते आते सियासी समीकरण बदलते चले गए, बीजेपी सियासी जमीन तलाशने लगी, चंद्रशेखर राव की पार्टी के नेता बिखरने लगे, बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस कमाल कर गई, लेकिन सर्वे बताता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने महज एक सीट पर जीत दर्ज की थी तो उसका वोट शेयर 7% था। तब उसे लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 20% वोट और 4 सीटें मिली थी। वहीं 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर लगभग 14% के आसपास पहुंच गया और पार्टी ने 8 सीटें जीतने में सफलता पाई। इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 43% वोट और 11 से 12 सीटें मिल सकती है। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे महसूस किया जा सकता है। यूपी में बीजेपी को जिताने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया। सुनील बंसल ने क्षेत्रीय स्तर पर लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ा और केंद्र की योजनाओं का तेलुगु भाषा में खूब प्रचार किया। लोगों से कनेक्ट करने के लिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कई रैलियों में तेलुगु में भाषण दिए। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरी की नमस्कार आयो। फाइनल नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जन संवाद के आधार पर तैयार किया गया इस सर्वे दक्षिण में बीजेपी के लिए एक और द्वार खुलने का संकेत दे रहा है।
दक्षिण में बीजेपी की बढ़त कुछ इस तरह से होती दिख रही है कि जहां कभी खाता तक नहीं खुला वहां भी अच्छी शुरुआत के संकेत एग्जिट पोल में मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के लिए हमेशा बंजर रही केरल की जमीन पर पहली बार कमल खिल सकता है। हालांकि केरल में अपनी पहचान बनाने के लिए बीजेपी की मेहनत सालों पुरानी है। यह है BDJS जो हाँ। कि वहाँ की लोकल पार्टी है, उन्होंने जो है बीजेपी को करीब 21% वोट शेयर और 6% BDJS को अच्छा। मिलता दिख रहा है। NDA को नंबर जल्दी से करते केरल में 2 से 3 बीजेपी को आती हुई ये इशारा कर रही है कि बीजेपी इतिहास रचने क्रिएटिंग हिस्ट्री, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी ने आज तक कोई भी सीट नहीं जीती थी। ये एक सरप्राइज है, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जो हवा जो है बीजेपी के फेवर में है। दक्षिण में ऐतिहासिक नतीजों की तरफ बढ़ती दिखती बीजेपी के लिए केरल के अनुमान वरदान सरीफे हैं। दशकों पुरानी पार्टी पहली बार केरल का द्वार भेदती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी का वोट शेयर 27% रहने का अनुमान है। 20 सीटों वाले राज्य केरल में 2 से 3 सीट जीतने का अनुमान देखने सुनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जिस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में जहाँ से एक भी सीट कभी नहीं जीती हो उसके लिए ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। केरल में क्या है कि केरल में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। आप इंडिया गठबंधन के ही 2 लोग साथ साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, इवन राहुल गांधी को चुनौती वो दे रहे थे। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर वहाँ चुनौती उसने दी और वहाँ वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, कोई सीट अगर बढ़ाती नजर आ रही है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अब विपक्ष को और खासकर केरल को मैं उनको अपना गियर चेंज करना। बीजेपी के विजय रथ में केरल हमेशा एक चुनौती रहा। पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सामर्थ्य झोंक देने के बाद केरल का द्वार बीजेपी के लिए नहीं खुल सका, लेकिन अब वो दरवाजा दरकता दिख रहा है। बढ़ता वोट शेयर और सीटों का अनुमान मोदी है तो मुमकिन है के नारे को सच करता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, क्योंकि बाकी जो पार्टियां वो एक स्टेट में है। हम कर्नाटक में भी हैं, केरला में। पूरा विश्वास है, मैं पहले भी कहता था कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम लेके आएगी। हम शानदार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। बीजेपी ने काफी पहले से केरल में धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए तब बीजेपी ने 9 सीटों पर 10% से अधिक वोट पाए थे। पलक्कड़, कासरगोड, पट्टनम थिट्टा और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 17% से अधिक वोट पाए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रत्याशी ओ राजगोपाल कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी शशि थरूर से बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। 2019 में बीजेपी ने 12 लोकसभा सीटों पर 10% से अधिक वोट पाए, जिनमें 8 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी को 15% से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी ने केरल में सिर्फ बढ़ते वोट शेयर के आधार पर ही अपना अभियान जारी नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत किया, स्थानीय स्तर पर जुझारू नेताओं को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार केरल में अपने दौरे जारी रखे। अगर देखा जाए तो 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने ही अकेले 25 बार केरल की यात्रा की। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को सम्मान देकर खुद को स्थानीय परंपराओं से जोड़ा। बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। मैं केरल की जनता को विनंती करने आया हूं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे, हम केरल और भारत दोनों को विकसित, सुरक्षित और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
केरल में बीजेपी का अतीत अच्छा नहीं था। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ में बीजेपी को केरल से शून्य ही मिला, लेकिन 2024 में बीजेपी अपना इतिहास बदलती दिख रही है। केरल में लेफ्ट के साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित कई अन्य छोटी पार्टियों के गठबंधन यूडीएफ ही ताकतवर माने जाते हैं। इस बार दोनों ही गठबंधन गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा वो वहां हासिल कर लेगी और यही आधार है बीजेपी के केरल में जीत के दावों। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का मैसेज, मोदी जी के जो विकास का गारंटी है, मोदी जो विकसित भारत बनाने का, मोदी जी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट और हमारा जो पैन इंडियन मैसेज है वो स्प्रेड कर रहा है। इसलिए मैं आपसे एक सबमिशन करता हूं, जहां तक मेरे को समझ है अगर हमारा 48% कर्नाटक में वोट शेयर होगा, हमारा अकाउंट खुल रहा है तमिलनाडु में और केरला में। आप बताइए कहीं भी तमिलनाडु में इनको कोई सीट मिल सकती है या केरला में मिल सकती है या कर्नाटक में बढ़ सकती है या तेलंगाना में इतनी बढ़ जाएंगे कि नंबर वन पार्टी हो सकती है, संभव ही नहीं है। तो बोलने दीजिए, मैंने कहा आपको मनोरंजन है, मनोरंजित है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 115 सीटों पर लड़कर 14% वोट केरल में लिए थे। सीट भले ही एक न मिली हो, लेकिन ये सच है कि राज्य में धीरे धीरे बीजेपी ने पैर पसारे। अब अगर लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल सच हुआ तो ये माना जा सकता है कि केरल का राजनीतिक इतिहास बदलने के कगार पर आ पहुंचा है।